दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुष स्त्री के स्तनों को क्यों दबाना चाहता है, उससे क्या मिलता है, आज मैं इस पर फोकस करूंगा कि पुरुष की ये खासियत है, ये उसकी आदत है कि वो बार बार हमेशा स्त्री का स्तनों को दबाना चाहता है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों, इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि देखना, जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपनी माँ का स्तनों को देख करके कैसे पहचानता है कि उसमें दूध है। जब एक गाय का बछड़ा पैदा होता है तो अपने माँ के स्तनों कैसे पहचानता है कि उसमें उसका भोजन है। बिना बताए वो गाय का बछड़ा दूध पीना शुरू कर देता है। वैसे ही देखना, बच्चा भी देखो, बिना बताए, बिना कोई लर्निंग, बिना कोई शिक्षा दिए अपने माँ का स्तन पकड़ के दूध पीना शुरू कर देता है, उसे पता है। दोस्तों, इसके पीछे धार्मिक कारण भी है कि जन्म जन्मांतर का, जन्मों जन्मों का एक संस्कार है बच्चे के अंदर में कि वह अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेता है, उसे किस तरह ज्ञान या लर्निंग देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यही परिणति, यही आदत उसे लगी रहती है, जो बाद में यंग लाइफ तक चली जाती है। वह अपनी लाइफ पार्टनर के स्तनों को दबाना चाहता है, यानी इसके अंदर वो संस्कार आ जाते हैं बचपन से ही, या पूर्व जन्म के संस्कार कहिए या बचपन संस्कार उसे खुद मिली हुई है, न कि उसमें कोई अन्य कोई कारण है, कामुक कारण नहीं है। हाँ, यंग हो जाने के बाद उसमें कामुकता आ जाती है, ये भी एक कारण है कामुकता को व्यक्त करने का, अपने पार्टनर को संतुष्ट करने का या पार्टनर को उत्तेजित करने का एक जरिया है। लेकिन बचपन में हर बच्चे को स्तन दबाने और स्तन से दूध पीने, अपना भोजन प्राप्त करने की आदत लगी हुई होती है, यही उसकी परिणति है कि पुरुष स्त्री के स्तनों को दबाना चाहता है, और कोई कारण नहीं है। समझ गए, तो यही वो रीज़न है। आप लोग यदि अच्छा लगा, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करो, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।